ये छठी है, प्रश्न नंबर 37 है। दिए हुए कोण सी ए बी को सेट्स के द्वारा दो समान भागों में विभक्त करो। तो ये एक सी ए बी एक कोण दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी से कोई एक कोण बना लें आप, अपनी मर्जी से प्रकार एक फुटा लिया ऐसे, और कोई भी कोण बना दिया, थोड़ा बड़ा कर लेना इस कोण को ऐसे रखा, और इसी तरह दूसरी लाइन हल्की लगानी है ये। इस कोण का नाम रखना अपने सी ए बी, सी ए बी। अब इसको आपने प्रकार की सहायता से नहीं करना है, सेट स्क्वेयर की सहायता से करना है। सेट स्क्वेयर की सहायता, ये हमारे सेट स्क्वेयर होते हैं, इसकी सहायता से इसके दो बराबर भाग करने हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से प्रकार खोल लिया से, और इसके ऊपर निशान लगा लेना कहीं, ऐसे निशान लगा लिया से, ये मैंने एक निशान लगा लिया, इसी तरह मैंने इतनी दूरी के ऊपर यहाँ भी निशान लगा लिया, दो निशान लगा लेने, इनका नाम रख लो आप, कोई भी नाम रख लो। इसका नाम रख दिया हमने ई, और इसका नाम रख दिया हमने एफ, दो निशान लगाने बराबर दूरी के ऊपर। इसके बाद आपने ये सेट स्क्वेयर लेना है अपना, 60 डिग्री जिसमें लगा हुआ, 60 और 30 90 वाला ये लेना है, ऐसे इस लाइन के साथ सेट करना है। आपको बताया हुआ है मैंने कैसे सेट करते हैं इसको, इस लाइन के साथ सेट करना है इसको, जो आपकी ये लाइन है नीचे वाली, इस लाइन के साथ सेट करना है, और इस नुक्कड़ से थोड़ा पीछे रखना है इसको, पीछे रखना है, देख लें ध्यान से इसको, बिल्कुल इसके साथ नहीं, इसके ऊपर नहीं लेके जाना है, इसे थोड़ा पीछे रखना है, और लाइन के ऊपर भी सेट करके रखना है इसे, ताकि जब हम ये लाइन ऊपर से गिराएं तो ये लाइन इसके ऊपर जाके मिले। ऐसे आइडिया लगा लो इसको, ढंग से देख लो, जब मैं ऊपर से यहाँ से लाइन लगाऊं तो इसी पॉइंट पे आके गिरे वो लाइन। तो यहाँ मैंने लाइन अब खींच दी है, देख लीजिए 60 वाली साइड का लगाना है, ध्यान रखें 60 वाली साइड का लगाएं, और यहाँ लाइन खींच दें, ऐसे हल्की लाइन खींच दें, इसी तरह उठाया सेट स्क्वायर। अब एफ ई बिंदु के ऊपर ले आए, सेट स्क्वायर को उल्टा कर देना है, पहले आपने इसको सीधा रखा हुआ था ऐसे, अब सेट स्क्वायर को उल्टा करके ऐसे 60 डिग्री वाले कोण नीचे की तरफ, ए इस लाइन के ऊपर नीचे वाली लाइन इसके ऊपर सेट कर लें ऐसे, यहाँ से थोड़ा पीछे रखें, ताकि जो लाइन है यहाँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लाइन जाके यहीं मिले आके आपकी, और नीचे की लाइन के ऊपर भी सेट करना है कि लाइन जो है वो हमारी ठीक इसके ऊपर एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको ध्यान से देख लें, अगर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर प्रश्न गड़बड़ ठीक नहीं बनेगा आपका। तो अब ये लाइन हमारी ठीक है, नीचे वाली भी ठीक आ रही है, और ये भी ठीक आ रही है, ये भी इसके ऊपर गिरेगी, तो यहाँ लाइन खींच दे, जहाँ ये कट कर रहा है ये पॉइंट आपका के आ गया। अब के बिंदु को ए के साथ, इसको इसके साथ ऐसे डार्क मिला लेना है अपने, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इस कोण के बराबर दो बराबर भाग बन जाएंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 37 कंप्लीट है।